निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों के चुनाव का ऐलान कर दिया गया है इसी की और ऐसी जारी शेड्यूल के मुताबिक सबसे पहले मिजोरम में सात नवंबर को चुनाव होंगे वहीं छत्तीसगढ़ में दो चरण सात नवंबर को और सत्रह नवंबर को मतदान होगा सत्रह नवंबर को ही मध्य प्रदेश में भी मतदान की तारीख रखी गई है वही तेईस नवम्बर को राजस्थान और तीस नवम्बर को तेलंगाना में भी वोटिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी आयोग ने बताया है कि सभी पांच राज्यों के नतीजों के 30 दिसंबर यानी पचपन दिन पाँच राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है आज निर्वाचन आयोग ने पांचों राज्यों की चुनावी कार्यक्रम घोषित किया और इसी के साथ आचार संहिता लागू हो गयी मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ने इन तारीखों की घोषणा की है आयोग की तरफ ऐसी चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की गयी है बात करे मध्य प्रदेश की तो पूरे एम में पाँच करोड़ इकसठ लाख छत्तीस हजार दो सौ उनचालीस वोटर हैं वोट ईवीएम ऐसी डाले जाएंगे इसके साथ ही संवेदनशीलों जगहों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी एमपी में विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी दो हजार को खत्म हो रहा है प्रदेश में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं चुनाव आयोग ने कहा कि एक चरण में चुनाव होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार ने बताया कि एमपी में 148 सामान्य पैंसठ एससी और सैतालीस सीटें एसटी के लिए हैं इसके साथ ही प्रदेश में फाइव करोड़ वोटर्स है वही एम में आदिवासी समुदाय के शहरिया बेगा जाति के वोटर्स बड़े हैं साथ ही प्रदेश में साठ लाख नए वोटर्स इस बार शामिल हो रहे हैं ये सभी अठारह प्लस के हैं पांचों राज्यों में 2900 यंग कर्मचारी चुनाव को मैनेज करेंगे एम में जेंडर रेशियो बड़ा है हम नए वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं एम में चौरासी पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं शहरी क्षेत्र में सोलह और ग्रामीण क्षेत्र में सैतालीस हजार सात सौ साठ है इसके साथ ही पंद्रह हजार मॉडल बूथ बनाए गए हैं पैंतीस हजार पोलिंग स्टेशन पर वेब कास्टिंग की सुविधा है वहीं एमपी में पाँच हजार पोलिंग बूथों को महिलाएं मैनेज करेंगी बुजुर्ग वोटर अपने घर से वोट दे सकते हैं उन्हें इसके लिए ट्वेल्व डी फॉर्म भरना होगा इसके साथ इस बार बफर जोन में भी पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं एम में पिपरिया और मडला में ऐसे केंद्र बनाए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा की अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी वोट देने जरूर आए इसके साथ ही इस चुनाव ऐसी सम्बन्धित कोई भी शिकायत है तो विजिल के माध्यम ऐसी आप अपनी बात रख सकते हैं सौ मिनट में आपकी मदद मिलेगी इसके साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को तीन बार अपने इलाके में पेपर के जरिए अपने अपराधों की जानकारी देनी होगी साथ ही सियासी दलों को भी बताना होगा कि उन्हें इनके के सिवा कोई उम्मीदवार नहीं मिला इसके साथ ही इस सियासी दलों को अपने चंदे के बारे में जानकारी देने के लिए एक समय निर्धारित की गई है एमपी में पांच राज्यों के बॉर्डर पर कुल 315 सौ चेक पोस्ट बनाए गए हैं ये सभी चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार काम करेंगे साथ ही सभी एजेंसियां संवयन के साथ काम करेंगी इसके साथ ही कार्गो मूवमेंट की भी चेकिंग होगी रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के जरिए जांच होगी ऑब्जर्वर प्राइवेट गाड़ियों में नहीं बैठेंगे एम में एक चरण में चुनाव होंगे चुनाव की अधिसूचना इक्कीस अक्टूबर को जारी होगी तीस अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख इकतीस अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी दो नवम्बर तक प्रत्याशी नाम वापिस ले सकते हैं सत्रह नवम्बर वोटिंग होगी तीन दिसंबर को रिजल्ट आएंगे चुनाव आयोग ने कहा कि पांच दिसंबर तक चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी